आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम देख सकें कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं और हमारे रैम पर कितना स्टोरेज यूजेज में है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले जानकारी आपको मिल सकेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम सीधा अपने चलेंगे कंप्यूटर में और यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ऊपर देख सबसे ऊपर लिखा है अनइंस्टॉल और चेंज ऑफ प्रोग्राम। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे क्या साथ जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसका दूसरा मैटर सीधा अपना जाएंगे यहाँ पर स्टार्ट पर और यहाँ पर लिखा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे अगर यहाँ पे आपका ऐसा व्यूज नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम सीधा लार्ज आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे अनइंस्टॉल चेंज प्रोग्राम का एक करंटली इंस्टॉल प्रोग्राम टोटल साइज 4.7 के बाद ऑफिस 2007 चला रहा हूँ। इसी तरह मैंने कई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पर डाले हुए हैं जो कुल मिला के हमारे 3.37 GB को कवर किए हुए हैं। दोस्तों, यदि आपने आपकी रैम 2 GB है तो उसमें इतने सिस्टम इंस्टॉल कीजिए कि आपकी रैम प्रॉपरली काम करे। जैसे कि मैंने रैम अपनी 4 GB है तो मैंने 3.5 तक लगभग इंस्टॉल कर लूँ तो सिस्टम मेरा हल नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं जाऊँ सिस्टम मेरा प्रॉब्लम करने लगेगा। मैंने इसलिए इतने क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट पे ग्राफिक्स क्लियर नहीं करता हूँ तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग करने लगेगा अगर मैं रैम प्रॉपर लगा नहीं दूँगा। इसलिए मैंने इतने सिस्टम को इंस्टॉल किए हैं। यदि आप हाईवी ग्राफिक्स जानी करते हो तो आपको उसके लिए अलग से ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ेगा। इस तरह दोस्तों हम देख सकते हैं कि अपना कितना सिस्टम पर कितना साफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, कितना हमारे स्टोरेज यूज किए हुए हैं।